अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर नदीम सरवर मेरा नाम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, डॉक्टर नदीम सरवर के नाम से है। तो पहले आपने वो नारान वगैरह की देखी है, तो आज मेडिसिन पे मैं आपको बताऊंगा। माइग्रेन, तो आधे सर का दर्द, पहले इसको आधे सर का दर्द बोला जाता था, अब इसका थोड़ा बहुत चेंज हो गया कि दर्द कहीं भी हो सकता है तो उसको माइग्रेन बोलते हैं। तो ये क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स हैं, ये सारा आज हम बताएंगे। वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज, और अगर वीडियो बाद में अच्छी लगे तो आप उसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और बेल आइकॉन अगर आप दबा देंगे तो नई जब वीडियो हम आपको दिखाएंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो इसके लिए प्लीज सब्सक्राइब करें। तो माइग्रेन, ये लफ्ज आया है माइग्रेशन से, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, उसको माइग्रेशन बोलते हैं। तो इसमें दर्द अमूमन किस जिसके आधे सर का दर्द होता है, यहां से इधर हो रहा है, इधर से इस तरफ जा रहा है, तो इसको इसीलिए माइग्रेन बोलते हैं। राइट साइड पे हो सकता है, ये लेफ्ट साइड पे हो सकता है, बैक पे हो सकता है, फ्रंट पे हो सकता है। पहले आज से 8-10 साल पहले, 20 साल पहले राइट और लेफ्ट को ही माइग्रेन बोला जाता था, लेकिन अब अगर पीछे दर्द आके चला जाता है और फिर दोबारा आ जाता है यानी हफ्ते बाद, तो उसको भी माइग्रेन बोला जाता है। तो इसमें उल्टी का आना, दिल का खराब होना, जी मतलाना यानी आंखों के आगे अंधेरा आना, इसमें बहुत सी सिम्टम्स इस तरह की हो सकती है। तो ये किस तरह होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ आज। इसकी पहली जो स्टेज है प्रोडेमल स्टेज, इसमें 2 दिन पहले थोड़ी सी सिम्टम्स आना शुरू हो जाती है। पहले तो माइग्रेन एक एक्यूट है और एक क्रॉनिक है। एक्यूट मतलब कभी किसी को एकदम आया और चला गया, दैट्स ऑल, दोबारा नहीं आया, लेकिन इसके पेशेंट्स क्रॉनिक ज्यादा होते हैं। क्रॉनिक मतलब पुरानी बीमारी। तो उसमें दो अगर स्टेज की हम बात करें तो प्रोडामिल स्टेज जो है इसमें कम से कम 48 घंटे पहले थोड़ी सी अलामत आना शुरू हो जाती है, मूड खराब होना शुरू हो जाता है पेशेंट का। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो जाती है यानी कब्ज हो जाती है, प्यास ज्यादा लगनी शुरू हो जाती है, पेशाब ज्यादा आना शुरू हो जाता है, यानी पेशाब आएगा उसके बाद मुंह खुश्क होना शुरू हो जाएगा, फिर पेशाब आएगा, फिर मुंह खुश्क होना शुरू हो जाएगा, तो वो पानी पेशेंट इनटेक ज्यादा करने लग जाता है। दूसरा इसकी स्टेज है ऑरा। ऑरा स्टेज में वो है 20 तकरीबन 20 मिनट से लेके 60 मिनट तक ये रहती है। ज्यादातर लोगों में इसी स्टेज से ये शुरू होता है, पहले 2 दिन पहले उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं आते। तो उसमें क्या होगा, मतली आना यानी दिल खराब होना शुरू हो जाएगा, आंखों के आगे अंधेरा शुरू हो जाएगा, तो और आंखों के आगे ज़िगज़ैग बनना शुरू हो जाएंगे, यानी आप आंखें बंद करेंगे तो एक तो होते हैं आंखें बंद किए तो उस पर स्पॉट नजर आने शुरू हो गए, यानी आप इधर देख रहे हैं स्पॉट इधर हो गया, आप इधर देख रहे हैं स्पॉट इधर हो गया, ज़िगज़ैग से बनना शुरू हो जाएंगे और अंधेरा आना शुरू हो जाएगा आंखों के आगे। तो पेशेंट को फील होता है कि कुछ हो रहा है, अंधेरा आना शुरू हो गया है। इसके साथ धुंधला यानी साफ नजर नहीं आएगा। जो ग्लासेस वाले पेशेंट हैं उनको तो अगर ग्लासेस पालेंगे धुंधला नजर आएगा, लेकिन जो नॉर्मल पेशेंट हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं या नॉर्मल बूढ़े हैं, उनको अगर दर्द शुरू होने लगा है तो धुंधला सबसे पहले। कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं कि जो कहते हैं कि मुझे अंधेरा यानी धुंधला शुरू हो गया आना, तो इसका मतलब मुझे माइग्रेन होने वाला है। अब उनकी पहली सिम्टम्स ये आनी शुरू हो जाती है कि उन्हें पता लग जाता है कि मुझे अब दर्द होगा, शायद इधर हो, शायद इधर हो, लेकिन होगा जरूर। ये एक ऑरा की स्टेज है। इसके अलावा हाथ पांव में कमजोरी शुरू हो जाती है, या हाथ पांव कांपना शुरू हो जाते हैं इस तरह, या नमनेस मतलब सो जाते हैं, जिसको कहें कि हाथ एक तरफ रखा है तो वो सो गया, हाथ ये वाला इधर रखा है तो सो गया, टांग सो गई,
तो ये भी इसकी पहली सिम्टम 24 कुछ पेशेंट्स में 20 से 60 मिनट पहले दर्द आने से 20 से 60 मिनट पहले ये स्टेज आना शुरू हो जाती है, ये अलामत आना शुरू हो जाती है। इसके बाद माइग्रेन की सिम्टम्स क्या है, इसके अगर हम वही सिम्टम्स जो मैं पहले बताई हैं, दिल का खराब होना, आंखों में अंधेरा आना, सबसे बड़ी जो सिम्टम है रोशनी अच्छी नहीं लगती पेशेंट को। अच्छा उस पेशेंट कहता है कि लाइट्स बंद कर दे, ठीक है। दूसरा एक माइग्रेन होता है सूरज की रोशनी से बढ़ता है, और जिस तरह सूरज गुरु होता है दर्द कम होना शुरू हो जाता है। वो हमारी एक दवाई है, उसकी बड़ी खास सिम्टम है ये, मैं एंड में आपको दवाइयां भी बताऊंगा। तो ये माइग्रेन जो है इसका सूरज से बड़ा गहरा ताल्लुक है, रोशनी से बड़ा गहरा ताल्लुक है। आजकल जो लाइट्स आ गई हैं एनर्जी सेवर खास तौर पे, उससे भी कुछ पेशेंट को इरिटेशन होती है, दर्द शुरू हो जाता है। तो इसमें माइग्रेन की सिम्टम में राइट साइड में अगर होगा तो वो यहाँ से दर्द शुरू होगा और आंख तक आएगा। अच्छा ये अपोजिट भी हो सकता है, इसीलिए तो माइग्रेन बोलते से माइग्रेशन, यानी यहाँ दर्द शुरू होगा आंख में और पीछे जाएगा, और इस तरफ अगर हुआ तो इधर होगा यहाँ से पीछे या यहाँ से पीछे, और फ्रंट साइड पे भी फुल उसको हेडेक कहेंगे। लेकिन आजकल जिस तरह दोबारा दोबारा अगर हेडेक शुरू हो गया है तो उसको माइग्रेन भी बोला जा सकता है। आपको मैं सिम्टम्स बता चुका हूँ, इसकी कौन कौन सी आप हम इलाज कर सकते हैं ये मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप कोशिश करेंगे खीर बना के इस्तेमाल करें, खीर चावल दूध मीठा उसकी खीर, जिनको जो डायबिटिक है वो फीकी खीर बनाए, माइग्रेन के लिए बहुत अच्छी है। दूसरा नंबर है योगा, योगा करें, इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, चाइना में भी होता है, योगा एक्सरसाइज जो है वो उससे ही कम हो जाता है। एज ए मुस्लिम मैं आपको ये बताऊंगा कि सजदा करें और लंबा सजदा करें, नमाज जब भी पढ़े आप कोशिश करें, चले फर्ज ही पढ़े, वैसे तो पूरी नमाज पढ़नी चाहिए, तो उसमें आप जब सजदा करेंगे माइग्रेन के पेशेंट को सजदा करना थोड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि जब वो सर नीचे करता है तो वो सर दर्द बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप लंबा सजदा करेंगे तो माइग्रेन है वो जल्दी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोशिश करें कि आप लंबे सजदे करें, जो भी आप उसमें पढ़ते हैं सुभान रब्बी अलआला, इसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें, लंबे सजदे करें, जल्दी माइग्रेन ठीक हो जाएगा और दोबारा नहीं होगा माइग्रेन। मेडिसिन कौन कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, मैंने अपनी 92 से मेरी प्रैक्टिस है तो मैं वैसे 3 दवाएं ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। आप हैरान होंगे कि होम्योपैथिक में 3 दवाएं, लेकिन ऐसे ही है, राइट साइड की एक दवाई है, लेफ्ट साइड की एक दवाई है, और पूरे सर में मैं एक ही दवाई देता हूँ। लेकिन और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं, वो आप सिम्टोमेटिकली अगर देखेंगे तो वो दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं आप। उसमें राइट साइड की सैंगोनेरिया है, सैंगोनेरिया में यहाँ से दर्द पीछे को भी जाता है और पीछे से यहाँ भी आता है, और इस जगह पे अकेला दर्द भी रह सकता है। तो राइट साइड की सैंगोनेरिया 30 में इस्तेमाल करें, बेस्ट मेडिसिन है, ठीक हो जाता है इससे। और ऐसे ऐसे पेशेंट्स मैंने क्रॉनिक इससे ठीक किए हैं कि 1 या 2 डोज दिए हैं और दोबारा सारी उम्र उनको पेन नहीं हो रहा। लेफ्ट साइड की स्पाइजीलिया है, लेफ्ट साइड की स्पाइजीलिया, ये भी उसी तरह लेफ्ट साइड में इस जगह पे भी पेन हो सकता है, ये आंख से इधर पीछे जाता है और पीछे से आगे आता है। इसके बाद राइट साइड की सैंगोनेरिया, लेफ्ट साइड की स्पाइजीलिया। अगर पूरे सर में दर्द है और थोड़े बचते हैं, देखिए 2 तरह की इसमें पेन होती है, एक होती है नब्ज चलती है जैसे पल्पिटेशन होती है, इस जगह पे आपको इस तरह हल्का हल्का फील होगा, एक होता है हैमरिंग होती है, हथौड़े बचते हैं। तो अगर हथौड़े बजे रश ऑफ ब्लड सर की तरफ हो जाए और आप ब्लड प्रेशर भी चेक करें वो भी हाई हो तो बेलाडोना बेस्ट इसकी मेडिसिन है। बेल अकेला भी लिख सकते हैं, बेलाडोना
30 में ही इस्तेमाल करें, क्रॉनिक अगर केस है तो 200 में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये तेल मशीन रखें, अगर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर देख रहा है कि जो फिजिकल सिम्टम है उसमें आप लो पोटेंसी दें, जो माइंड सिम्टम है उसमें आप हाई पोटेंसी दें। अगर उसके दिखने में इतना दर्द फील नहीं हो रहा लेकिन फिजिक उसको मेंटली ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं दर्द, तो आप हाई सिम्टम से हाई पोटेंसी दें, 1 mm में दें, 200 में दें, वरना आप 30 में दे सकते हैं। सूरज की रोशनी से जो बढ़ते हैं और कम होते हैं और राइट और लेफ्ट भी नहीं पता लग रहा, सारे सर में दर्द है, तो क्लोनाइन बहुत अच्छी मेडिसिन है। क्लोनाइन में भी हैमरिंग होती है लेकिन रश ऑफ ब्लड नहीं होता, यानी चेहरा सुरख या यहाँ से सुरख नहीं होगा, तो उसमें आप क्लोनाइन दे सकते हैं। इसके अलावा खुश रहें, खाएं पिएं, चिकन का इस्तेमाल कम करें, ये वाले पेशेंट्स देसी चीजें खाएं, मट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें, उसमें कुकिंग करें, तो उससे भी हमारे सारी सिम्टम्स बेहतर होनी शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, डॉक्टर नदीम सरवर मेरा नाम है, कोशिश करेंगे हर सिम्टम पे, हर बीमारी पे आपको एक नया एक वीडियो आपको दें। नेक्स्ट वीडियो मेरी दूसरी भी आ रही है, वही सफर वाली, वो गिलगित से हुंदा तक का, उसमें सफर हम आपको दिखाएंगे। अभी मैं पिछले दिनों होके आया हूँ, तो वो भी देखिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।